Global advertiser for innovative outdoor solutions. मान्यवरांचं स्वागत होत आहे आपल्या सर्वांच्या प्रेमाचं प्रतीक अपना बहुमूल्य समय निकाल के आपने ये जो विज्ञान प्रदर्शनी है क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो प्रदर्शनी होते हैं कितना प्रोत्साहन बढ़ाते हैं विद्यार्थियों का हर साल इसी प्रकार का विज्ञान प्रदर्शन होता है ईस्टर्न वेस्टर्न जोन से बांद्रा से लेके दहीसर तक का ये जोनल प्रदर्शन था खेतान इंटरनेशनल हाई स्कूल में इसका प्राधान्य दिया गया उन्होंने ये लिया चैलेंज एक अच्छा चैलेंज उसने स्वीकारा कर देखा मैंने बहुत अच्छा स्कूल है रिपोर्टेड स्कूल है और वहाँ सभी 6 वार्ड के बच्चों लोगों ने स्कूल के टीचरों के माध्यम से ट्रस्टी के माध्यम से यह प्रदर्शन किया था उसमें 2-3 वार्ड को प्राइज दिया गया है उसमें के ईस्ट के वेस्ट पी साउथ दिस इज़ अ पी साउथ एंड पी वार्ड तो उनको भी प्राइज़ दिया गया है तो बच्चों ने जो भी प्रोग्राम करते हैं टीचरों के साथ पेरेंट लोगों के साथ विज्ञान के माध्यम से उसका प्रदर्शन लगाया गया था मैं बुलाने के बाद यहाँ आया हूँ मेरे भी बाकी के प्रोग्राम हैं इसलिए मैं रुका नहीं इसलिए मैं निकल जा रहा हूँ पहले ही मगर इसी प्रकार से संशोधन को ज़्यादा सुविधा देने की बहुत ज़रूरत है ये देश के लेवल के ऊपर राज्य के लेवल के ऊपर और छोटे स्कूल या कॉलेज जो होते हैं उसके अंदर ही भी हम लोग जितना खर्चा उसके ऊपर लगाएंगे तो ही हम लोग ऐसा कुछ दिमाग में ऐसा कुछ लेके कर सकते इसके लिए फाइनेंशियल जो भी प्रोविजन होती है वो देने की ज़रूरत है मैंने हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो भी VC है हरे जो हमारे 16-17 जो VC है जो ओपन यूनिवर्सिटी और ये तो उसके बारे में एक मीटिंग भी लिया था कि इसी प्रकार के शोध विज्ञान के बारे में बाकी के भी टीचर लिटरेचर के माध्यम से सभी तो उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और उसी प्रकार का ध्यान प्राइमरी लेवल के ऊपर ये चला है और ये अच्छा प्रदर्शन था विज्ञान का अच्छा करीबन 150 स्कूल में ने इसमें सहभाग लिया था जिनको भी प्राइज मिला है उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ और आपके माध्यम से सभी को ये नए साल की शुभेच्छा देता हूँ सर सोमवारी किती दिवस दोन चार लेकिन ये भी जानना चाहूँगा जैसा आपने कहा कि यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं अमेरिका में अफसर ढूंढते हैं एग्जीबिशन अरेंज किया गया है कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए अपने शोकेस करना अपने घर में शोकेस करना मैं रियाज़ आमिर खान चीफ कन्वेनर हूँ पी वार्ड का और प्रिंसिपल और मैनेजिंग डायरेक्टर मदर टेरेसा हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज मलाड़ में है यहाँ पर जो साइंस एग्जीबिशन है ये जोनल लेवल का साइंस एग्जीबिशन यहाँ पर 6 वार्ड के जो प्राइज विनर्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट किए गए हैं और 3 दिन का एक एग्जीबिशन था 4, 5, 6 और कल इवैल्यूएशन हुआ और आज जो हो रहा है ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रहा है इसमें जो बच्चे प्राइजेस जीते हैं अलग अलग कैटेगरी में स्टूडेंट्स के प्राइजेस हैं पॉपुलेशन एजुकेशन के हैं टीचर्स टीचिंग एड के हैं इस तरह के सारे प्राइजेस दिए जा रहे हैं और आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो है रविंद्र वाइकर जी मिनिस्टर और अनीता राज जी सीनियर आर्टिस्ट और डॉक्टर श्याम अग्रवाल और अन्य सेलिब्रिटीज़ भी हैं और दर्जी खेतान इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्टीज़ भी हैं तो इनके हाथों से आज सारे प्राइजेस दिए जा रहे हैं और ये जो आयोजन होता है ये शिक्षण निरीक्षक पश्चिम विभाग इनके अंडर में ये आयोजन होता है और इसमें सारे स्कूल्स जो बांद्रा से दहीसर से बीच में है वो पार्टिसिपेट करते हैं सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं सारे टीचर्स आते हैं और वार्ड लेवल के बाद ये जोनल लेवल का आयोजन हर साल होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इंकरेजमेंट होता है जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन किया गया इसके आगे जो होगा वो स्टेट लेवल होगा स्टेट लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो
एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से होता है। वहाँ पर जितने प्रोजेक्ट्स हम यहाँ से भेजते हैं उनको जो ट्रैवलिंग का कन्वेंस का एक्सपेंस होता है, वहाँ पर रहने का एक्सपेंस होता है, वो दिया जाता है। और वहाँ पर भी 3 दिन का आयोजन होगा, उसके आगे जो होगा वो नेशनल लेवल होगा, उसमें जो प्रोजेक्ट्स ये सिलेक्ट किए जाएंगे वो उसको गवर्नमेंट फंड करती है और उनको एनकरेज करती है। तो जो बजट है सेंट्रल गवर्नमेंट का साइंस को लेकर, आपको लगता है कि उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए? कभी काफ़ी ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि जो रिसर्च चीज़ें वो उसका फाउंडेशन इतना मजबूत नहीं मिल जाए। हाँ, बजट की जैसे बात है वो बजट में और इंक्रीमेंट और इंक्रीज एजुकेशन के लिए बजट में होना चाहिए, और जिस तरह की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है वो अच्छी हैं, और बजट में इंक्रीज़ होगा तो और ज़्यादा अच्छी होंगी। और जो बच्चों को एनकरेज करना है, जो टीचर्स रिसर्च करना चाहते हैं, उसके लिए स्पेशल अटेंशन गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ गिविंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रॉपर इंसेंटिव्स एंड प्रॉपर time and all facilities, I don't think so our future scientists will migrate to any other country. They will remain in our country. Proper facilities and proper fundings are given, they will definitely remain within our country.